बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर भगवान वाल्मीकि की जयंती के मौके पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में काली का अखाड़ा, शिव अखाड़ा और वाल्मीकि झांकी, नौ दुर्गा झांकी, राधा कृष्ण झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। वहीं श्रद्धालुओं ने भी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पुजारी राहुल ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से आप देख रहे हैं शोभा यात्रा यहाँ पर को वर्ष 2023 में प्रकट उत्सव की, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता को और वाल्मीकि समाज की ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने देखा करके कि वर्ष 2023 में आज ग्रहण काल की है, जो 4:02 पर शास्त्रों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, उस कारण से हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें डोले का हम लोगों ने जल्दी स्वागत करके नैनीताल वाल्मीकि मंदिर से प्रस्थान करा आश्रम की ओर, और बाकी हमारी झांकियाँ भी आ रही हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर को उपस्थित हैं, और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी यहाँ पर को झांकियाँ उपस्थित हैं, और नैनीताल का समस्त समाज उन झांकियों का आनंद ले रहा है। भगवान वाल्मीकि